Hey guys, once again it's AD here with another video, Supergirl season 6 episode 7. We are going to break it all down, spoiler alert if you have not watched the episode yet. एपिसोड की शुरुआत में हम कारा को अपने फादर को संभालते हुए देखते हैं क्योंकि एंकर के डिस्ट्रॉय करने से फैंटम जोन अनस्टेबल हो गया है। एक फैंटम कारा पर अटैक करता है लेकिन जोरेल उसके डैड उसे फैंटम को भगा देते हैं। कारा की आईज वाइट हो जाती हैं, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके डैड आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। कारा कहती है अगर उसकी फैमिली उसे बचाने की कोशिश करेगी तो उसकी फैमिली भी मर सकती है। ब्रेनी और निया कारा का ब्लड सैंपल लेके टावर पहुँचते हैं। ब्रेनी और निया को वापस आने में 3 दिन लग गए हैं। टीम सुपरगर्ल ने टावर को अपग्रेड कर दिया है। वो प्राइम फैंटम को सुपरगर्ल का सेंट दे देते हैं जो उन्हें फैंटम्स के रियल पावर पियर ड्रीम के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो कैली की थेरेपी टेक्निक्स की मदद लेते हैं और कैली उन्हें वो बता देती हैं और इससे वो फैंटम से अपना कंट्रोल वापस ले सकते हैं। एलेक्स कैली के लिए थोड़ा वरीड है। निया उनसे कहती है क्या अगर कारा हमें रियलिटी समझ पाएगी वो क्योंकि वो एक अनदर डायमेंशन में बहुत टाइम से है या फिर वो हमें भी एक डिल्यूजन ही मान ले। जोन अकेले जाके कारा को उसकी मेमोरी याद दिलाने का प्लान बनाता है। एलेक्स डिसएग्री करती है पर जोन उस शिप पे संभालने के लिए कहता है। उनकी शिप का नाम अब टावर है। उन्होंने टावर को अपग्रेड करके शिप बना लिया है। लीना येलो सन ग्रेनेड्स बनाती हैं ताकि सुपरगर्ल को उसकी पावर मिल सके और फैंटम्स को दूर कर सके। उनके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। जोन टावर यानी स्पेसशिप को उड़ाता है और वो फैंटम जोन में एंटर करता है और वहाँ पर एक नहीं बहुत सारे आइलैंड हैं। हम देखते हैं एलेक्स फिर से जोन को अपने साथ जाने के लिए कहती हैं। वो दोनों ही डिसएग्री होते हैं इस बात पे। दोबारा टर्बुलेंस आता है और पावर लेवल्स नीचे गिर जाते हैं। प्राइम फैंटम भी अपने सेल से गायब हो जाता है। फैंटम जोन और एलेक्स पे अटैक करता है पर वो दोनों मिलकर उसे कैप्चर कर लेते हैं और जोन एलेक्स को साथ आने के लिए मन हाँ भर देता है। एलेक्स को फैंटम स्क्रैच कर देता है और पर वो कंटिनेंट बॉक्स में जाने से मना कर देती है। हम देखते हैं एलेक्स जोन को धक्का देकर कंटिनेंट बॉक्स में डाल देती है। एलेक्स ब्रेनी को जोन के बारे में भी झूठ बोलती है कि वो आर्मरी रेडी कर रहा है। उनके ऊपर फैंटम्स अटैक करते हैं बिकॉज ऑफ एलेक्स क्योंकि वो इन्फेक्टेड है और उनकी क्लोकिंग मशीन भी खराब हो गई है। एलेक्स पछतावा कर रही होती है पर वो उन सबको शिप में बंद करके कारा को ढूंढने के लिए कहती है। वो फैंटम्स को अपनी तरफ ड्रॉ करने का प्लान बनाती है ताकि सुपरगर्ल को रेस्क्यू कर सके बाकी टीम। हमें फिर से 10 मिनट्स बैक ले जाते हैं और देखते हैं कि लीना और निया अपने सूट और इंटेलिजेंस के ऊपर बात करते हैं। वो दोनों ही अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहे होते हैं। हम देखते हैं लीना कूलेंट लीक को चेक करने जाती है। वहाँ वाटर में एक एलियन होता है जो वो एक एलियन में बदल जाता है। लीना तभी गेट बंद कर देती है और टीम को इन्फॉर्म करती है। उसके कॉम्स पे कोई आंसर नहीं देता और जहाँ वो मेन रूम में आती है सीधा तो वहाँ पे वो देखती है कि पूरी टीम डेड है। लीना ड्रीमर को उठाने की कोशिश करती है और वो क्रिएचर उन पर अटैक करता है। लीना और ड्रीमर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो एलियन लीना की मोम की बुक का एक मिथिकल क्रिएचर है। वो रिवील करती है कि उसकी मोम भी डूब गई थी उसके आगे। लीना रोज़ वो बुक पढ़ती है और उसे रोज़ रात को नाइटमेयर्स आते हैं कि कैल्फी उसे डुबा देता है। कैल्फी ड्रीमर को भी डुबा देता है और फिर वो लीना पर अटैक करता है बट लीना समझ जाती है कि ये एक क्लियर विजन है। हम दोबारा 10 मिनट पीछे ले जाते हैं जहाँ पर अब की बार ब्रेनी और कैली इमोशंस को लेकर बात करते हैं। कैली थोड़ा अपने आप को अलग फील करती है क्योंकि उसके पास कोई पावर्स नहीं है। पावर्स हर जाता है अब की बार चीज़ें अलग होती हैं। लीना और क्या कहते हैं निया फैंटम कंटेनमेंट चेक करने जाते हैं। एलेक्स और कैली लीना और ड्रीमर को देखने जाते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। कैली देखती है लीना ड्रीमर दोनों फैंटम्स के कंट्रोल में हैं और एलेक्स भी अब उनके उसी के कंट्रोल में है। जोन और ब्रेनी भी गायब हैं। वो उसे बहुत बुरा कहते हैं और कैली उसे उनकी पुरानी मेमोरी याद दिलाने की कोशिश करती है। एलेक्स ऊपर से कंट्रोल हट जाता है। एलेक्स कैली को एक्सेस पोर्ट में जाने को कहती है। फैंटम कंटेनमेंट से बाहर आ जाता है और पूरी टीम कैली का अटैक करने लगती है। हम फिर से 10 मिनट्स पहले देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली सबको अलग अलग ड्रीम्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या उनका अलग अलग दिखाने का व्यू पॉइंट है। निया ड्रीम देखती है कि फैंटम कंटेनमेंट में नहीं है। उसे वहाँ एक थिम्बल दिखता है। ब्रेनी निया को उठाता है। ब्रेनी बताता है कि फैंटम कंटेनमेंट डैमेज हो गया है और सभी टीम क्लियर विजन दिख रही है। ब्रेनी कहता है अब कंटेनमेंट सही है। निया उसे अपना ड्रीम बताती है और वो कंटेनमेंट चेक करने जाने को कहती हैं। ब्रेनी बार बार कहता है कि सब कुछ ठीक है।
वो उसे ड्रीम्स पर अटेंशन देने से मना करता है और इनडायरेक्टली उसकी ट्रेनिंग और उसके मदर के ऊपर उसे इंसल्ट करता है। आई थिंक दिस इज अ विजन टू। इस टाइम फैंटम लोग भी हैं और उन्हें जॉन को ब्रीफ के बारे में बताता है। एयरलॉक ओपन हो गया है, निया अपना ड्रीम इंटरप्रेट कर लेती है। उसे टावर को प्रोटेक्ट करना है। निया अपनी पावर से यूज़ करती है पर ब्रीच और बड़ा हो जाता है और ब्रेनी वहाँ से चला जाता है, उसके अंदर स्पेस से बाहर चला जाता है। वो फिर से टाइम में पीछे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। वो देखते हैं कि एलेक्स फियर ड्रीम में है बट ब्रेनी ठीक है। ब्रेनी बताता है कंटेनमेंट डैमेज की वजह से टीम को फियर ड्रीम्स दिख रहे हैं। जून अपनी साइकिक पावर्स की वजह से बच जाता है और ब्रेनी यू नो इट्स 12th लेवल इंटेलेक्ट सो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम। ब्रेनी के लिए इस रूम में बलून्स हैं और वो बलून्स उसे बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं। फैंटम्स उनके शिप पर अटैक करते हैं। जून फैंटम को कंटेनमेंट में डालने के लिए जाता है तभी टीम फियर ड्रीम से बाहर आ पाएगी। जोन्स अपनी साइकिक पावर से फैंटम को रेजिस्ट करता है और उसे कंटेनमेंट में डाल देता है। टीम फियर ड्रीम से बाहर आ जाती है। लीना को अपनी मदर देखती है, केली अपने ड्रीम में फैंटम से लड़ती है, निया अपने ड्रीम से बाहर आती है और जोन उन सबको रियलिटी बताता है कि आसपास क्या हो रहा है। उन्हें सुपरगर्ल की लोकेशन मिलती है पर उनके पास अब सिर्फ 18% पावर ही होती है। कारा अपने डैड को देखती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जोरेल उससे पेप्टो की नई कोशिश करता है, उसे संभालने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि कारा क्या इस फिर से नॉर्मल हो जाती है और उन्हें बहुत सारे फैंटम्स दिखते हैं। उन पर ऊपर से येलो सनलाइट आती है और वो दोनों आपस में वो दोनों स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हैं। वो दोनों खुश हो जाते हैं, वो उड़ के टावर में चले जाते हैं उनके स्पेसशिप में। एट लास्ट वो फैंटम जोन से बाहर निकलते हैं पर यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि हम देखते हैं कि उनके शिप के ऊपर निक्सली भी उनके साथ फ्री में राइड ले लेती है और अर्थ पर चली जाती है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।